फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा में चली गई, जिसे बचाने के चक्कर में एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में चली गई। इस हादसे में 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तो एसएसजी कॉलेज के सामने हुआ है। कितने लोग घायल होंगे? 15 लोग घायल हुए, 2 की काफी सीरियस है, 2 की हालत नाजुक है। जी सबसे पहले किन लोगों ने घायलों की मदद पहुंचाई? पहले हम ही लोग थे इस जगह, उसके बाद में हमने होटल सब्जी बेचने आए थे, उसके बाद में जब ऐसी देखा हमने तो दौड़ के वहाँ से आए, उसके बाद में 4 पहिया से ना निकाला आदमी को, उसके बाद में बस वाले को, फिर काफी आदमी आ गए। तो पुलिस लगभग कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस 15 मिनट बाद आई, लगभग आधा घंटे। सड़क हादसा हुआ है, इसमें कैसे हो गया है? ये हमारे अजवाए थे, पलटी हुई थी। अच्छा, कितने लोग घायल होंगे? 3 लोग छोटी गाड़ी में। और जो रोडवेज बस में कितने लोग घायल? ड्राइवर चोट आई बाकी, और सवारी ने कम चोट आई है। तो ये कहाँ पर हादसा हो गया है? ये एसएससी कॉलेज के सामने, कल्याणपुर थाना। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव काम शुरू किया और चश्मदीदों का बयान लेकर मामला दर्ज किया और पूरे मामले की जांच कर रही है। खंडक में पलट गई, क्या था पूरा मामला? एक कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक डस्टर कार फतेहपुर से कानपुर साइड में जा रही थी, तो पीछे से उसको कल्याणपुर थाना क्षेत्र में ही पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारा और कार अपोजिट साइड में चली गई। सामने से आ रही एक बस जो कि कानपुर से फतेहपुर की तरफ आ रही थी, वो बस कार को देखकर अनियंत्रित हो गई और उसमें गड्ढे में पलट गई, गड्ढे में जाके गिरी और पलट गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। जो ज़्यादा घायल थे उनको जिला अस्पताल फतेहपुर भेजा गया, जिनको कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, और जो मामूली कुछ लोगों को चोटें आई थी उनको PSC गोपालगंज में भेजकर दवाई कराया गया। फतेहपुर से कानपुर की ओर जा रही डस्टर कार में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिससे डस्टर कार विपरीत दिशा में चली गई। तभी सामने से आ रही रोडवेज बस कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर खंडक में पलट गई। फतेहपुर से रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।